खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जीएसटी पर। जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक श्रीनगर में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में संपन्न हो गई है। जिस जीएसटी को लेकर के यूपीए 2 के वक्त से जो चर्चा चल रही थी, कहूं कि यूपीए 1 के वक्त से ही इसकी आधारशिला रख दी गई थी। कई प्रदेशों के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर रहे। सुशील मोदी पहली बार जब इसकी काउंसिल बनी थी उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे और एक लंबा प्रोसीजर चला, लेकिन अब इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। लिहाजा साफ है कि सभी राजनीतिक दलों की मंशा इस पर एकजुट की थी। बस वजह यह है कि इसमें स्लैब क्या हो, राज्यों का कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहे, राज्य क्या स्वतंत्र हो पाएंगे कि कुछ चीजों में टैक्स लगा सके। लेकिन आम जन को सिर्फ एक ही बात की उम्मीद है और वो अर्थ भी यही समझता है जीएसटी का, क्या मुझे कोई राहत मिल पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीएसटी में इतनी एक्सरसाइज की जा रही है, क्या आम जन को राहत मिल पाएगी। महंगाई एक बड़ा विषय है, राजनीतिक दलों के लिए भी रहा है और आम जन के लिए भी रहा है। अब उससे निजात दिलाने के लिए, यानी कि 100 तालों की एक चाबी, महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए जीएसटी कारगर साबित हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है। चले हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ में। हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता साहब राजस्थान खाद्य व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पंकज जोशी साहब भाजपा नेता हमारे साथ में है। लेकिन पहले सुनिए कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जेटली क्या कह रहे हैं और एक ट्रेड से जुड़े किसी यूनियन के सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं। GST in relation to the service sector was completely adopted in today's meeting. There are various categorizations which have been made. There were a set of services which were exempted at present. Most of them have been grandfathered and those exemptions will continue. The four different rates are 5%, 12%, the standard rate of 18%, and the luxury rate of 28%. Goods transport, road transport, air transport, and air-conditioned railway transport, these have been kept in 5% category, a lower category, because their main input is petroleum products. Those with a turnover of 50 lakhs or below can go in for a composition at 5%. The service tax on non-air conditioned restaurants will be 12%. On air conditioned and those with the liquor licenses will be 18%, the standard rate. GST ke hawale se agar koi baat honi thi to usme hamara ek hi cheez hai ki is cheez ka faisla riyasat Jammu Kashmir kare.